दार जी, आपकी बहू बेचारी नहीं है, भटक कर उधर मोड़ पर खड़ी थी, मैं ले आई आपके पास। भैया आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। बहू रानी जी, आप किधर को चली गई हैं जी? पापा जी, काम हो गया था तो मैं आप ही के पास आ रही थी, लेकिन रास्ता भूल गई और भटक गई। नवा एरिया है ना, मैं समझ सकता हूँ। चल कोई बात, मैं क्या भला उस औरत का, बहू रानी नहीं है तू, मेरी बेटी है, तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तू इस घर में आई है ना, रोज फूटी किस्मत की मार झेल रहा हूं मैं। क्या खोल यार, मेरी उम्र लग जाए तेनू। चल चल घर चलते हैं जी। आ बच्चे, आ जा आ जा। इन 21 दिनों में या तो लोगों को पता चल जाएगा कि सौम्या किन्नर है, या फिर निम्मी से भगा कर कहीं ले जाएगी, लेकिन दोनों बातों में बदनामी तो हमारी होनी है। लोग तो यही पूछेंगे ना, एक माँ अपनी बेटी को ससुराल से भगा कर क्यों ले गई, ऐसी क्या बात थी, क्या वजह थी? मनिंदर, तू उस मनहूस को छोड़ और उसकी सोच जो अपनी है, और ये राज खुल गया तो सुरभि का की होवेगा? कौन उससे ब्याह करेगा ये जानकर कि वो एक किन्नर की बहन है? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, सुरभि से ब्याह कौन करेगा? मेरा का मनोज साया उस पर पड़ेगा। हुन ते बस एक रास्ता है, इन्हीं 21 दिनों के अंदर अंदर सुरभि का ब्याह हो जाए। बेबे कैसे होगा ये, 21 दिन खत्म होने में अब सिर्फ 12 दिन बाकी रह गए हैं। 12 दिनों में सुरभि का ब्याह होगा? आहो, पर उस विच भी ना एक दिक्कत है, सुरभि आजकल निम्मी और सौम्या दे रंग विच रंगी हुई है, हमें तो वो पापी समझती, हमारी गल सुनेगी? वो सुनेगी बेबे, जरूर सुनेगी, मेरी बेटी है वो, उसे सुनना ही होगा। तो ठीक है, मैं पठानकोट में दलजीते को फोन करती हूँ, अपने पिंड में मुंडे और कुड़ियों के बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते करवाता है। ये ठीक होगा। पूरा यकीन है कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो मिली जाएगी जिससे ये साबित हो जाए कि सौम्या और हरमन के बीच बनती नहीं है, फिर जाके माँ को बुलाऊंगी। कहाँ ढूंढू? जितनी लगन से तू दूसरे के घर का सामान उजाड़ रही है ना, उतनी लगन से अगर तूने अपने घर का सामान संवारा होता ना, तो आज तू अपने ससुराल में होती, यहाँ मायके में हमारे मत्थे पे नहीं पड़ी होती। हरमन, तू मेरा वीरा है या दुश्मन? तुझे मैं फूटी आंख नहीं भाती ना अपने मायके में। देख, जितने दिन तुझे मायके में इज्जत देनी थी ना, तू उससे कई ज्यादा दिन यहाँ रुक चुकी है। तुझे तो कब का ससुराल लौट जाना चाहिए था, जैसे हर शादीशुदा लड़की करती,
नहीं, तूने तो अपना यहां खूटा ही गाड़ लिया। और तुम कैसी औरत हो? अरे तुम्हारे पीठ पीछे कोई भी कमरे में घुस जाएगा। और ये तो गलती से मेरी बहन है, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए ना। कोई चोर चक्का घुसाता कमरे में तो अरे हमारे कमरे से कोई कीमती सामान ही ले जाता। होश नहीं रहता क्या तुम्हें? दोबारा सोच के आना मेरे कमरे में। एक बात कहूं जी, आप जीजी से ऐसे बात मत किया कीजिए। बड़ी है ना वो, और उनका दिल भी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मुझसे एक भी रिश्ता ठीक से नहीं संभल रहा। फिलहाल तुम मुझसे संभल जाओ, बस यही बहुत होगा। सॉरी जी। नीचे आओ, नीचे आओ, जल्दी आओ, एक खुशखबरी देनी है। अरे मेरे बाप को भी ना बैठे बैठे खुरापाते सूझ रही होती। ओ, अब क्या स्यापा हो गया वीरन? ओए की हो गया वीर जी? ओ मैं खुशखबरी सबको देने के लिए बहुत व्याकुल हूं। ओ हरक सिंह जी की होया, क्यों गला फड़ रहे हो बार बार? ठंड रखो मेरी प्रीत, ठंड रख। आ बहु रानी, आ मेरे शेरा, तू भी आ। आप बताओ कि क्या खुशखबरी हो सकती है? अरे आपकी चीखे और माँ की सीखे, इनकी कभी कोई वजह नहीं होती है रक्ष सिंह। चुप। मैं क्या, बहु रानी जी आप इतनी दूर क्यों खड़ी हैं? जरा इधर आई। वकील साहब कर दो अनाउंसमेंट। ये पेपर्स सर जी की हेमराजपुर वाली बाईपास फैक्ट्री के कागजात। सर जी ने ये फैक्ट्री 24 जुलाई 2016 को अपने बेटे हरमन सिंह के नाम पे खरीदी थी, जिन्होंने इस पेपर्स पे साइन की 25 जुलाई 2016 को। सर जी ने 28 जुलाई 2016 को उन कागजों पर फिर से दस्तखत कराए और जिन्हें इस फैक्ट्री का नया मालिक, या फिर मैं कहूं नहीं मालकिन बना दिया, वो है मिसेस सौम्या हरमन सिंह। खुशी नहीं हुई? साहब ने मुंह लटका दिया है। वकील साहब एक बार मालिक का नाम फिर से बताइए। मिसेस सौम्या हरमन सिंह अब हरक सिंह जी की हेमराजपुर बाईपास वाली फैक्ट्री की नई मालकिन। और ये है मेरी बौरानी को हरक सिंह तरफ से शादी का नेक। हरक सिंह जी तुसी ग्रेट हो। लोग अपनी लड़कियों को दखल अंदाज कर देते हैं प्रॉपर्टी से, आपने अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पे फैक्ट्री कर दी। ओए वकील, ये मेरी बहुरानी नहीं है, बेटी है बेटी। और जहां तक मेरे शेरू का सवाल है, मेरे पास और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैंने उसके नाम लिखी हुई। मेरी बहुरानी है, बेटी है, ये मुझे वो
न्याने देगी, पोते पोतियों शक्ल दिखाएगी, मेरा वंश आगे बढ़ाएगी, क्योंकि मैं मेरी बच्ची के लिए इतना नहीं कर सकता। मान गए हरक सिंह जी आपको, बस चलिए मैं चलता हूँ। ठीक 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 है, जा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जा। तो कैसी लगी खुशखबरी? है ना खुशखबरी, इसे कहते हैं खुशखबरी। चंगा है जी, आप जो भी फैसला लेते हैं सोच समझ के लेते हैं, सबकी भलाई के लिए करते हैं, इसमें भी कोई भलाई होगी। एक खुशी की बात और बतानी है। आप क्या बहुरानी के नाम पे कोठी वोठी भी करती है? नहीं नहीं, वो गल नहीं, मैंने पंडित से मुहूर्त निकाला है कि हमारी फैक्ट्री का उद्घाटन हमारी बहुरानी के शुभ हाथों से आज ही होगा। और अभी हम सबको जाना है, बस आप लोग सब तैयार शहर होके आ जाओ। जी पाजी। तू चल मेरे नाल चल, आ जा। बाबूजी, बाबूजी कुछ बात करनी थी। बोलो मेरे शेरा। तो मैं ये कह रहा था कि सौम्या उद्घाटन में नहीं आएगी। दो साल पहले साड़ी ली थी मैंने, सोचा था किसी अच्छे मौके पर अपने बहू को दूंगी। आज से अच्छा मौका और क्या हो सकता है? ले उद्घाटन में यही पहन, चाह पहन के दिखा मैनू। वो क्यों नहीं जाएगी बहू रानी? उद्घाटन में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? वो तो वोटी है तेरी। हाँ वोटी है, इसलिए बोल रहा हूँ। वो मेरी वोटी है और मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं आएगी। तो दिमाग खराब हो गया तेरा? वो फैक्ट्री ओदी मालकन है, तो मालिक से उद्घाटन कराना है और वो ही उद्घाटन करेगी, बस। ओ मैं क्या, अभी आप चला रहे थे तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ, आप दोनों अब तक यहीं खड़े। सुना प्रीत की कह रहे है अपना शेरा कि बहू फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मैं नहीं ले जाना चाहता उसे। ऐ कोई जवाब नहीं हुआ, बात क्या है ठीक से बता। बात यह है कि वो मेरी वोटी है और मैं नहीं चाहता वो आए। और तेरी बीवी है वो, और गुलाम नहीं है कोई, कैसे रोक सकता तू उसको? यार हर चीज समझानी पड़ेगी क्या? यहां बच्चा नजर आ रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, दोनों सुन लो। मैं नहीं चाहता हूं कि सौम्या फैक्ट्री जाए क्योंकि क्योंकि सौम्या मैं नहीं चाहता हूं कि सौम्या फैक्ट्री जाए क्योंकि क्योंकि सौम्या सौम्या को घर से बाहर कोई देखे ये मैंने बिल्कुल पसंद नहीं। बस कमाल है यार। हाँ? ये तो छित्तर खान वाली गल्ला कर रहे हैं तू। शर्म आती मुझे कहता, और तू मेरा पुत्र ना, तू 21वीं सदी में तू ऐसे संवाद दे रहा, तू वोटी ये नहीं जाएगी, को मैं नहीं चाहता कोई उसको देखे ना बाहर। सुन ले, जो नहीं जाना मैं जा, लेकिन बहुरानी हमारे साथ ही जाएगी। प्रीत समझा दे।
मुझे भी जाना है, तैयार होने दो ना प्लीज। वो सब जा रहे हैं माँ। उनानू जा रहे थे, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहा ना तुझसे, बैठे थे कहीं नहीं जाना हमें। ये सब क्या है शन्नू, हैं? तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हो, वो जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो जानी है। मैं और मेरी बेटी कहीं नहीं जाएंगे। अपनी जहरीली जुबान ना बंद रख, समझिए दिमाग ठीक है तेरा, तमाशा करना चाहती है। अगर नहीं गए ना भाई साहब क्या सोचेंगे? उनादी खुशी के बारे में आप सोचिए, गुलाम जो हूँ उनके, मैं और मेरी बेटी नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी बस। मैंने तुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया, उन्हें कमरे में बंद करके रखना नहीं। यार प्रीत, तो औरतों की इज्जत मैं करता हूं, और मेरी सोच कोई ऐसी छोटी सोच नहीं है, पर वरना ये सौम्या बहुत अलग है, समझ नहीं आता है कि इसके साथ करूं तो क्या करूं। देख पुत्र, वही तेरा ब्याह हुआ है सौम्या से, अब तो वो तेरे साथ तेरे घर विच रहेगी, तेरे कमरे विच रहेगी, तू जहां जाएगा तेरे साथ जाएगी, और तू जो भी करेगा उसके बारे में सोच के करेगा, वो अर्धांगिनी है तेरी। देख अब तुम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के साथ रहना सीखना होगा। तू चल, ए लड़ाई झगड़ा बंद कर, हम तो तू पहले वाला कुआरा हरमन नहीं है। ठीक है प्रीतो, पहले हम एक दूसरे के साथ जीना सीख लेते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बाहर घूमना फिरना और ये फैक्ट्री का उद्घाटन वगैरह प्लान कर लेंगे। वो फैक्ट्री तेरी फूटी के नाम पर है, वो नहीं जाएगी तो लोग बातें नहीं करेंगे, और पूरे पिंड विच तेरे बाप की इज्जत उछल जानी है, सोच ले। कुड़ी को ठीक से चलना नहीं आता। हाय, रुक रुक रुक, ओ मैं आई, रुक। की हो गया पुत्र, तूने तो साड़ी पहले बहुत बार पहनी है, तो अब ऐसे? जी वो साड़ी भारी है। पर तूने भारी साड़ी भी तो पहले पहनी है ना? घर पे माँ और छोटी मदद कर दिया करते थे, लेकिन ये बहुत ही भारी साड़ी है जी, मैं हल्की साड़ी तो अपने आप पहन लेती हूँ, पर ये नहीं संभल रही थी, इसकी प्लीट्स वो बार बार खुल रही थी, मैं फिर से लगा देती हूँ। अप्रीतो, ये तेरी फैक्ट्री की नई मालकिन खुद स्यापो की फैक्ट्री है, जा इसकी मदद कर दे, इसे साड़ी पहना दे। रुक, मदद की जरूरत सिर्फ इसे नहीं, तुम दोनों को है, वो साड़ी तू पहना इसे। मैं इसी से तो वो केमिस्ट्री सेमिस्ट्री पढ़ेगी। और नहीं नहीं प्रीतो, ए क्या नहीं नहीं, और मैं करना बंद कर, वो तू जा, तू इसकी मदद कर, उसे ऐसे ही तो समझेगा, एक दूसरे के करीब आओगे तुम दोनों। ओ मैं क्या, जा चल चला कहीं का। For
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.